दोस्तों, आपने भारत के सबसे ज्यादा खतरनाक हथियारों के बारे में तो सुना ही होगा, पर आज हम जानने वाले हैं पाकिस्तान के तीन ऐसे हथियारों के बारे में जिनके दम पर वो भारत और इजराइल जैसे देशों को धमकी देता है। नंबर तीन पर आती है पाकिस्तान की नसर मिसाइल, जो कि एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है और इसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर तक है। पर इस मिसाइल की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि 70 से 80 किलोमीटर तक की रेंज होने के बावजूद ये न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। नंबर दो पर आता है पाकिस्तानी एयरफोर्स की बैकबोन कही जाने वाला GF-17 थंडर फाइटर बॉम्बर, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की जान है। और पाकिस्तान में फाइटर जेट को सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार माना जाता है और इसकी सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि इसे बनाने में चाइना का भी पूरा हाथ है। नंबर एक पर आती है पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल शाहीन 3, जिसकी रेंज 2700 किलोमीटर तक है। ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है और अपने देश से 2700 किलोमीटर दूर किसी भी देश पर मार कर सकती है। पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि पाकिस्तान इस 2700 किलोमीटर वाली मिसाइल से 3500 किलोमीटर दूर बैठे इसराइल को हिट करने की बात करता है। वैसे पाकिस्तान के पास एक और बहुत ही बड़ा हथियार है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया के अंदर फेमस है, वो है आतंकवाद। वैल इसमें पाकिस्तान के लोगों का तो कोई हाथ नहीं है, उसके अंदर पूरा हाथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है। वैसे मेरी बात से कौन कौन सहमत है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।